आज हम डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में छह तार होते हैं, दो दो तीन चार दो तीन छह तार हैं इसमें। इसको हम इंडक्शन मोटर से घुमा रहे हैं और इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर से चल रही है, जिसके तार A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ रहे हैं। और जनरेटर से जो छह तार आ रहे हैं वो AA YYY FFF से आ रहे हैं और ये लोड को कनेक्शन दे रहा है। यहाँ फील्ड करंट बता रहा है मीटर, ये लोड करंट बता रहा है और ये वोल्टेज जो पैदा हुआ है वो बता रहा है। अब हम जो है अभी कंपाउंड जनरेटर का अध्ययन करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का, जिसका कनेक्शन डायग्राम इस तरह से है। तो यहाँ से जो प्लस निकला तो इसमें सीरीज फील्ड में धारा की दिशा ऐसे है और कंपाउंड में शंट फील्ड में भी धारा की दिशा ऐसे है, तो दोनों धाराएं एक दूसरे की मदद कर रही है। तो अब हम जो है लोड बढ़ाते जाएंगे, लोड बैंक में 100 वाट का बल्ब जलाओगे, 200 वाट का। 200 वाट का जब हमने बल्ब लगाया तो यहाँ पर एम्पियर बढ़ा, वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर में हम रीडिंग देखते हैं। एक 200 वाट का बल्ब और चालू करो, एक और 200 वाट का बल्ब चालू करो, 600 वाट। अब एक और बल्ब चालू करो, 800 वाट। एक बल्ब और चालू करो, 1000 वाट हो गया क्या? 1000 वाट का हमने लोड लगा दिया है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं, कनेक्शन बदल दो, हमने जो रीडिंग ली कम्युलेटिव कंपाउंड में, पहले लोड कुछ भी नहीं था तो 245 वोल्ट पैदा हो रहे थे, 0 एम्पियर चल रहा था। फिर 200 वाट का लोड लगाया तो भी 245 वोल्ट पैदा हो रहे हैं और 0.75 एम्पियर जा रहा है। 400 वाट का लोड लगाया तो भी 245 वोल्ट पैदा हो रहे हैं, 1.5 एम्पियर जा रहा है। 600 वाट का लोड लगाया तो भी 245 वोल्ट पैदा हो रहे हैं और 2.2 एम्पियर जा रहे हैं। 800 वाट का लोड लगाया तो भी 242 वोल्ट पैदा हो रहे हैं, 2.6 एम्पियर जा रहा है। 1000 वाट का लोड लगाया तो 240 वोल्ट पैदा हो रहे हैं और 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। इसका हमने ग्राफ बनाया कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। तो हम देखते हैं कि ग्राफ हमारा जो है 245 वोल्ट पर आता रहा और यहाँ जाके 240 वोल्ट पर आया, तो इसमें 3 एम्पियर पर स्लाइटली जाके थोड़ा सा ग्राफ आगे की तरफ कम हुआ है। अब हमने जो है कनेक्शन बदल के इस तरह से कनेक्शन कर लेते हैं हम डिफरेंशियल के। तो डिफरेंशियल में जो है पॉजिटिव की धारा ऐसे आएगी सीरीज फील्ड में और शंट फील्ड में ऐसे ही, तो ये दोनों चुंबकीय फील्ड एक दूसरे का विरोध करेंगे। स्टार्ट करो, करो, अभी स्टार्ट कर दिया। अभी जीरो लोड है इस वक्त, तो वोल्टेज जो है वो अभी ये वोल्टेज है और ये लोड में हम रीडिंग देख सकते हैं। अब 200 वाट का बल्ब ऑन करो, 200 वाट का बल्ब ऑन किया तो वोल्टेज कम हो गए। एक 400 वाट के बल्ब करो ऑन, ये 400 वाट का लोड लगाया हमने। अब 600 वाट का लोड लगाओ, ये 600 वाट का लोड लगाया। अब 600 के बाद में 800 वाट का लोड लगाओ, 800 वाट का लोड लगाया। अब 800 के बाद में 1000 वाट का लोड लगाओ, ये 1000 वाट का लोड, मतलब हमने 200 वाट के 5 बल्ब लगा दिए तो 1000 वाट का लोड हो गया। तो अब हम जो है इसका अध्ययन करते हैं, जो रीडिंग हमने ली डिफरेंशियल कंपाउंड में उस रीडिंग का हम अध्ययन करते हैं। तो जब हमने कोई लोड नहीं लगाया तो वोल्टेज पैदा हुए, धारा कुछ नहीं चल रही। 200 वाट का लोड लगाया तो वोल्टेज कम हो गए, 240 की बजाय 225 वोल्ट हुए। फिर 400 वाट का लोड लगाया तो वोल्टेज और कम हो गए, 600 वाट का लोड लगाया तो वोल्टेज और कम हो गए, 800 वाट का लोड लगाया तो वोल्टेज और कम हो गए, और 1000 वाट का लोड लगाया तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो हम इसकी जब ग्राफ शीट देखते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमने लोड लगाया वैसे वैसे वोल्टेज जो है काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। तो हम वोल्टेज काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं, इसका हम दोबारा से अध्ययन कर सकते हैं। स्टार्ट करो, लोड बढ़ाओ, 200 वाट, 400 वाट, 600 वाट, 800 वाट, 1000 वाट,
बंद कर। तो इस तरह से हमने जो है डीसी कंपाउंड जनरेटर का अध्ययन किया। कनेक्शन बदलो, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में काफ़ी तेज़ी से ग्राफ गिर रहा है, वोल्टेज भी काफ़ी तेज़ी से डाउन हो रहा है, जबकि हम कंपाउंड जनरेटर में कनेक्शन करके वापस से अब जब हम देखेंगे तो कंपाउंड जनरेटर में हमें देख ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, वोल्टेज में कोई कमी नहीं आएगी। स्टार्ट करो, कनेक्शन बदल दिए गए हैं। 200 वाट का लोड लगाओ, 400 का लगाओ, 600 का लगाओ, 800 का लगाओ, 1000 का लगाओ, वोल्टेज में कोई कमी नहीं हुई है। अभी वोल्टेज में कोई कमी नहीं हो रही, आप देखिए 245 245 245 200, सभी जगह वोल्टेज जो है वही उत्पन्न हो रहे हैं लोड बढ़ाने पर, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन आती है। तो कंपाउंड जनरेटर, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ाने पर भी वोल्टेज स्थिर रहते हैं, जबकि डिफरेंशियल जनरेटर में लोड बढ़ाने पर वोल्टेज तेज़ी से देखते हैं।